This Lellen Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव फिर से चर्चा और विवाद में हैं। गौर करने की बात ये कि अब की बार विवाद से उनका नाता जुड़ा है 16 साल पहले कही गई उनकी एक बात की वजह से। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला क्या है। श्री कृष्ण भारतीय धार्मिक परंपरा के शायद सबसे बड़े ग्लोबल आइकन, उनसे करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, तो अगर उनके बारे में कोई बात निकलती है तो दूर तक जाती है। ऐसे में अगर कोई कह दे जो आपको पता है दरअसल बात वो नहीं कुछ और है तो भक्त क्या करेंगे और तब क्या करेंगे जब कोई आध्यात्मिक गुरु ही कथित तौर पर कृष्ण के विषय में कोई नई बात कह डाले, बात भी अत्यंत विवादास्पद। हालांकि हो ये भी सकता है कि जो कहा गया उसका मतलब वो नहीं हो जो निकाला जा रहा है, या ये कि वैसा कहा ही ना गया हो। तो जानते हैं हुआ क्या था। दरअसल जग्गी वासुदेव का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, यशोदा कृष्ण की धाई माँ, वो अपने बेटे के साथ गहरे प्रेम में थी, वो कृष्ण को सिर्फ बेटा नहीं उससे बढ़कर मानती थी। बाल्यकाल में तो बेशक ये सब उस सुंदर बच्चे के लिए था जो उनके पास था, लेकिन जब वो यानी कि कृष्ण बड़े हुए तो काफ़ी तेजी से बड़े हुए, उनका विकास अभूतपूर्व था। कोई भी माँ अपनी ममता को इस तरह के अप्रत्याशित विकास के साथ समायोजित नहीं कर सकती, इसलिए कृष्ण के 5 या 6 साल के होते होते यशोदा का मातृत्व कहीं खो गया। उसके बाद वो उनकी माँ नहीं रह सकती थी, वह एक तरह से उनकी प्रेमिका बन गई, उन्होंने बस उनसे प्रेम किया तो यशोदा का कृष्ण के साथ संबंध इस तरह से बढ़ा कि वो भी गोपियों में से एक बन गई, वो भी रास का हिस्सा थी। वो राधा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था ये लड़की बहुत फॉरवर्ड है, इसका जो भी मतलब हो। ये वीडियो ट्विटर पर शेयर हो रहा है और यही वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। इस वीडियो को शेयर करने के साथ एक ट्वीट में कहा गया कि जग्गी वासुदेव जिन्हें सद्गुरु के नाम से जाना जाता है का चौंकाने वाला वीडियो जो कहता है कि भगवान कृष्ण की दाई माँ यशोदा ने कृष्ण के बड़े होने पर कृष्ण के ऊपर वासना की भावना यानी कि शी लस्टेड ऑन हिम ये रखी। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में जग्गी वासुदेव कहीं भी लस्ट या वासना के संदर्भ में शब्द का उपयोग करते हुए नहीं दिखाई दिए। एक दूसरे ट्वीट में जग्गी की बात को कोट करके पूछा जा रहा है लोग उनका मथुरा वृंदावन आना कब प्रतिबंधित करेंगे। एक तीसरा वर्जन यहाँ देख सकते हैं। जानते हैं दूसरा पक्ष क्या है। हमने इस पूरे विवाद पर ईशा फाउंडेशन का पक्ष जाना, उन्होंने लिखित में अपनी बात रखी, उसका सार ये है। ये संवाद लीला कार्यक्रम से निकाला गया है जिसे सदगुरु ने 2005 में कृष्ण की लीला का उत्सव मनाने के लिए संचालित किया था। इस वायरल वीडियो में सदगुरु के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए साफ तौर पर किसी ने ओरिजिनल कंटेंट को बड़ी चालाकी से एडिट किया है। ओरिजिनल या असली वीडियो में सदगुरु बताते हैं कि कैसे अनेक अद्भुत महिलाएं थी जो सभी कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति थे कि किसी के लिए भी उनका भक्त बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, यही वजह है कि उनकी माँ भी उनकी भक्त बन गई थी। इन हिस्सों को जानबूझकर निकाल दिया गया है। इस वीडियो में सदगुरु बताते हैं कि कृष्ण शुरू से ही सर्व समावेशी थे। एक बच्चे के रूप में जब उन्होंने अपनी माँ को ये दिखाने के लिए कि वे मिट्टी नहीं खा रहे हैं तब भी वे सर्व समावेशी थे, यानी कि मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। जब उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया तब भी वे सर्व समावेशी थे, उन्होंने कभी भी उनके साथ सुख भोगने के बारे में नहीं सोचा। कई वीडियोस में सदगुरु ने साफ तौर पर बताया है कि भक्ति एक ऐसी चीज है जो भौतिक शरीर से परे है, ये मुक्ति पाने की एक सर्व समावेशी प्रक्रिया है। रास का जो अर्थ है हम कह सकते हैं कि ये जीवन का रस है। अंग्रेजी में इसके लिए शायद कोई सटीक शब्द नहीं है, ये जीवन के रस की तरह है। तो जब हम गोविंदा कहते हैं यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के रस से खेला, अगर लोग प्रेमी शब्द को केवल यौन संबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संस्कृति में सभी भक्तों को प्रेमी माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दर्शाने के लिए खुद को कृष्ण प्रेमी नाम देते हैं। ये हमारी संस्कृति में अब भी बहुत प्रचलित है। यहाँ सदगुरु इस संदर्भ में बोल रहे हैं।
दुर्भाग्य से इन शरारती एडिटर्स का मानना है कि प्रेम केवल यौन संबंध के संदर्भ में हो सकता है और वे सद्गुरु के शब्दों को एडिट और विकृत करके झूठे परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये शरारत सद्गुरु के बारे में नहीं है, ये कृष्ण के बारे में है और भारत की संस्कृति के बारे में भी है। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन की मीडिया टीम ने हमें बताया, वो जो रास है उसके बारे में कहा गया है कि वो एकदम इच्छाओं से परे मुक्त होकर नाचना था। आज भी मथुरा और कई जगहों पर नाम होता है कृष्ण प्रेमी। लोगों ने न केवल मिसअंडरस्टैंड किया है बल्कि मिसरिप्रेजेंट भी किया है। कुछ तथ्य जो इस वायरल हो रहे वीडियो के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं वो यूं हैं। अव्वल तो ये वीडियो 2005 का है तो आज क्यों वायरल हो रहा है या फिर किया जा रहा है। ये वीडियो 4 घंटे 7 मिनट का है तो सवाल ये भी कि क्या इसमें से 1.25 मिनट का वीडियो काट कर ले लेने से क्या वाकई में बड़े वीडियो के अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। तीसरा सवाल थोड़ा दार्शनिक है, सवाल जो ज्ञान मीमांसा की आज तक की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है कि किसी टेक्स्ट का कौन सा वर्जन सही माने, वो जो कहा गया है, वो जो सुना गया है, या फिर वो वर्जन जो इन दोनों वर्जन से अलग है, वो तीसरा वर्जन जो कहने और सुनने वालों के पूर्वग्रहों से सर्वथा मुक्त है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें 7 लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें हाथी के सामने खड़ा कर दिया जाता है। 7 ऐसे लोग जिन्होंने अतीत में कभी हाथी नहीं देखा था। दरअसल ये हाथी जैन धर्म के दर्शन की उपज है। दर्शन जो हर नए के साथ स्याद, एक तरह से ये भी सही है, जोड़कर बात करता है। तो किसी स्टोरी की तह तक जाने के लिए हमें भी जैन धर्म के इस स्यादवाद का सहारा लेना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो स्केप्टिज्म इज द ओनली वे आउट। बाकी एक मूवी है 12 Angry Men जिसका हिंदी अडेप्टेशन एक रुका हुआ फैसला नाम से बना है, देखिएगा जरूर। वैसे गांधी का दर्शन जैन धर्म के स्यादवाद से बहुत प्रभावित रहा था। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी दर्पण। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।